सलवार की मोहरी में सीधी सिलाई लगाने का तरीका सिखाएंगे हम। तो सबसे पहले हमें पैर की सिलाई लगानी है। पैर की सिलाई लगाने से लब आसान हो जाती है लगानी और कपड़े को बिल्कुल सीधा रखना है। पहले लब की सिलाई लगा देते हैं तो परेशानी होती है फिर पैर की सिलाई में। तो देखिए अब लब शुरू करते हैं। ये लब की सिलाई लगाते जा रहे हैं, कपड़े को बिल्कुल पैर के बीच में रखना है एकदम। देखिए लब और पैर दोनों सिलाई लगा दी हमने। इस तरीके से लगाने से सिलाई साफ आएगी और अगर पहले लब लगाई तो सिलाई साफ नहीं आएगी। अब हम इधर भी पैर की सिलाई लगाएंगे। मोहरी में कई सारी सिलाई लगानी पड़ती है। पैर जो है बिल्कुल सिलाई के बराबर में रखें और चुटकियों से अपनी कपड़े को मजबूत पकड़े। अब इधर हम लब की सिलाई लगा के दिखाते हैं पहले लब कैसे लगानी है। अगर आपको लब लगानी है तो लब भी लगा सकते हैं। देखिए उंगली को बिल्कुल इस पर रख के चलिए। उंगली हटाते ही लब टेढ़ी हो जाएगी तो इसलिए उंगली आपको यहीं पर रखनी है। देखिए जरा सी भी कपड़े की पकड़ ढीली हुई और पैर की सिलाई खराब हो जाती है। तो इसलिए आप कपड़े को टाइट पकड़ के रखें। ये हम पैर की सिलाई लगा दी है हमने। ये हमारी सलवार की मोहरी तैयार हो चुकी। बिल्कुल ऐसी बनानी है आपको भी। ऐसी पट्टी पर सिलाई लगानी सीखिए ताकि सलवार की मोहरी सही बने।